पे यकीन है, जो परमात्मा करूंगा दाता करिए ठीक ही करूंगा। फरीदकोट के सबका कांग्रेसी विधायक नूं अज रिमांड खत्म होने ते अज फरीदकोट की माण योग अदालत में पेश किया गया। तस्वीर दिखाने कि पिछले दिन ही फरीदकोट के सबका विधायक कुशलदीप कि ढिल्लों जिहड़ा विजिलेंस वालों गिरफ़्तार किया गया। उस तो बाद जिहड़ा हैगा पुलिस रिमांड से 22 तक भेजा गया सी। अज जिहड़ा हैगा बाद दुपहर उन्होंने फरीदकोट की अदालत में पेश किया गया। अदालत के बाहर दी तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो वड्डी गिणती दे विच जिथे उन्होंने कांग्रेसी वर्कर इत्थे मौजूद ने पहुंचे ने उन्होंने अपने से। दूजे पास फोर्स के भी वड्डे प्रबंध किए गए थे। उस तो बाद जिहड़ा हैगा अंदर हुण अदालत के लैके जाया गया है क्योंकि पिछले समय के विजिलेंस विभाग वालों लगातार जांच की जा रही थी। एक मामले जिस आमदन तो वध जदायत मामले में लैके जिहड़ा हैगा कुशलदीप कि ढिल्लों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई थी। उस तो बाद जी पुछगछ लई उन्होंने लगातार बुलाया जा रहा है। जांच आई दस्या जा रहा है कि 11 वार के करीब जिहड़ा हैगा जांच में यह शामिल हुए थे। उस तो बाद जिहड़ा हैगा बीते दिन जिहड़ा हैगा फिरोजपुर के पुछगछ लई बुलाया गया थे। उस तो बाद विजिलेंस फिरोजपुर वालों उन्होंने गिरफ्तारी पाई गई थी। अभी गिरफ्तारी तो बाद जिहड़ा हैगा फरीदकोट की माणयोग अदालत में पेश किया गया। अज जिहड़ा हैगा 22 तरीक तक रिमांड मिलिया सी। रिमांड मिलने तो बाद जिहड़ा अज दुबारा फिर माणयोग अदालत के पेश किया गया है। तो तुसीं अदालत के बाहर दी वड्डी गिणती दे विच जो कांग्रेसी वर्कर ने इत्थे मौजूद ने क्योंकि अपने चेते लीडर नूं मिलना आए थे। उस तो पहला भी जिहड़ा आए थे लगातार इस तो पहला जिहड़ा सुबह तो ही जिहड़ा अदालत के बाहर जिहड़ा फरीदकोट कंपलैक्स हैगा कोर्ट कंपलैक्स के बाहर जिहड़ा हैगा उत्थे धरना दिता जा रहा कांग्रेसी वालों। तो उस तो बाद जिहड़ा हुण अज फिर अदालत के बाहर विच वी वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा कांग्रेसी वर्कर पहुंचे ने। तो आने वाले समय में देखना कि उन्होंने की फैसला निकल के सामने आता है। कुशलदीप कि ढिल्लों माणयोग अदालत में पेश किया गया। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो गड्डी दे विच बैठे होने। मीडिया ने जो गलबात की तो उन्होंने कहा भी मैनू अदालतों पर भरोसा हैगा। तो वड्डी गिणती दे विच तुसीं देख सकते हो जिहड़े वर्कर इत्थे पहुंचे ने ते जो गड्डी दे विच जिहड़े बैठ गए ने। उस तो बाद जिहड़ा हैगा उन्होंने लिजाया जाऊगा। जिहड़ा अदालत का फैसला कुछ समय में बाहर आएगा कि रिमांड दिता गया कि नहीं, क्योंकि हालांकि विजिलेंस वालों मांग की जा रही थी रिमांड की। तो हुण उहदे विच की फैसला निकलदा वेखदे हां। वड्डी गिणती दे विच वर्कर पहुंचे ने ते जिहड़ा गड्डी दे विच बिठा के उन्होंने इत्थों जिहड़ा लिजाया जा रहा हैगा। तो तस्वीर तुम देख सकते हो अज पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मंगया सीगा ते 2 दिन का रिमांड 24 तरीक नूं दुबारा पेश करना कोर्ट दे विच। उन्होंने तो सिर्फ अज मैडिकल ग्राउंड ते पुछ दस तां कुछ रही नहीं सी। कहिंदे मैडिकली अनफिट होण करके असीं पुछ नहीं सके ते उहदी कोई उन्होंने तथ नहीं पेश कीते ते सिर्फ उन्होंने जिहड़ा हैगा 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ 11 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 11 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 2022 ਤੇ 17 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸ 'ਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਦੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 24 ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ 24 ਡੇਟ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ।